Hello everyone. In this video, we are going to start a new topic on resistivity survey. ये थोड़ा different type का topic है, but बहुत सारा geologist और geophysicist में proper bonding नहीं होता. Geophysicist geology नहीं उतना visualize कर पाते, और geologist लोग भी geophysics उतना अच्छी तरह visualize नहीं कर पाता है. उसके असर क्या होता है? कोई भी इन्वेस्टिगेशन में जियोफिजिकल इंटरप्रिटेशन जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा क्वालिटी में बन नहीं पाता है. ऑफकोर्स जियोफिजिसिस्ट और जियोलॉजिस्ट दोनों अपना 100% देने से भी अनटिल एंड अनलेस देयर इज ए प्रॉपर ब्रिजिंग. ब्रिजिंग क्या करता है? गैप को फिल करता है ना. कोई नदी में इस साइड जियोफिजिक्स, उस साइड जियोलॉजी, तो कुछ ब्रिज बना देने से क्या होगा? दोनों का थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाने से आप पूरा चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे. तो इसीलिए वीडियो बना रहा है. देखो, बहुत सिंपल चीज है. रेजिस्टिविटी सर्वे का मेन फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेंगे. बहुत सारा टर्मिनोलॉजी हम लोग कभी सुनते हैं ना, स्यूडो डिटेक्शन, फिर आरटीएम रेजिस्टिविटी, टोमोग्राफिक मॉडलिंग, क्या क्या है वो सब थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे आपको. ये ज्यादा मैथमेटिकल चीज अगर नहीं भी समझ में आएगा, कोई डोंट वरी, आपको पूरा चीज एक्चुअली आप फील्ड में जब काम करेंगे, आपका जो काम चलाने का जो चीज है सब कुछ इधर सॉल्व हो जाएगा. सो इन रेजिस्टिविटी सर्वे स्यूडो सेक्शन क्या है? फर्स्ट, स्यूडो सेक्शन इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डेटा कलेक्टेड अलोंग सर्वे लाइंस. सो हम लोग तो पॉइंट डेटा कलेक्ट करते हैं ना, सर्वे लाइंस में इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, उसके बाद उसके बेसिस में डेटा आता है. कैसे आता है वो भी समझाऊंगा. अब ये वीडियो देखने से मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? The term pseudo section indicates that it is not a true cross section but visual representation of data collected in two dimensional space, ठीक है? तो pseudo section तो फिर अभी क्या है? कुछ एक सेक्शन, बस इतना याद रख दो, ठीक है? रियलिटी में तो हम लोग क्रॉस सेक्शन है, मिट्टी के नीचे तो पत्थर दिखेगा. तो कलरफुल क्या आ रहा है? एक्चुअली कलरफुल चीज डायरेक्टली एक्चुअल रियल सेक्शन तो नहीं है ना, है ना? वो डिफरेंट रेजिस्टिविटी वैल्यू का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वो चीज दिखाएगा बस. बट उसको कैसे बनाना पड़ता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो समझेंगे धीरे धीरे, कूल तरीके से समझेंगे, ठीक है? उसके पहले थोड़ा रेजिस्टिविटी के बारे में समझना है, तब क्लियर हो जाएगा सीडो सेक्शन क्या है ना. रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, कॉन्डक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है? क्या क्या है? जो सब मटेरियल से करंट अच्छा फ्लो करता है उसको कॉन्डक्टर बोलता है. सेमी कंडक्टर क्या है? जो सब मटेरियल से करंट मॉडरेटली फ्लो करता है. और इंसुलेटर क्या है? जिससे करंट जाता ही नहीं है, है ना? इतना ही तो है, तो मटेरियल प्रॉपर्टी है ना. सो ये है मटेरियल का रेजिस्टिविटी से निर्भर करता है. रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी होता है ना. रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी है, फ्लो करने में कितना बाधा देगा, करंट फ्लो करने में कितना बाधा देगा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. बट किस वजह से बाधा देगा वो है रेजिस्टिविटी, समझ रहे हो? देखो इधर डिफरेंट मटेरियल का देखो डिफरेंट अलग अलग रेजिस्टिविटी वैल्यू होता है, ठीक है? जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना कम कंडक्टिविटी होगा, जितना कम कंडक्टिविटी होगा उतना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा. ऑपोजिट चीज है ना. इलेक्ट्रिकल जो चीज ज्यादा अच्छा जाने को देते हैं वो है कंडक्टर, और जो अच्छा जाने नहीं देता है वो रेजिस्टिविटी उसका ज्यादा है. सो कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, ठीक है? जस्ट ऑपोजिट सिनेरियो, ऑपोजिट फेनोमेना होता है ना, समझ गया? सो हमारा मटेरियल तो इधर मेटालिक मटेरियल में देखो कार्बन, कार्बन का जब ये करोगे, कार्बन का देखो 10^-5 रेंज में, 3 to 60 × 10^-5, सो बहुत कम रेजिस्टिविटी है, दैट मींस ये ज्यादा कंडक्टिव है. वायरस इधर देखो सिल्वर है, मेटालिक चीज ज्यादा रेजिस्टिव नहीं होता है ना, कंडक्टिव ज्यादा होता है, इसीलिए रेजिस्टिविटी वैल्यू ज्यादा कम है. जितना कम होगा उतना कंडक्टिविटी अच्छा होगा. अभी रेजिस्टिविटी वेरी हाई वाला कुछ देख लो, ये देखो हार्ड रबर 100 × 10^13, -13 नहीं 13, सो ये क्वार्ट्ज देखो, फ्यूज क्वार्ट्ज,
7.5 इंटू 10 to the 17, इतना हाई रेजिस्टिविटी, दैट मीन इससे करंट जाएगा ही नहीं। ग्लास में भी देखो 10 to the 9, ये सब में देखो ग्राफाइट भी अच्छा कंडक्टर है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं, इसके कंपैरिजन में बाकी ऊपर का बाकी मेटल के कंपैरिजन में रेजिस्टिव है, ठीक है। तो इसीलिए 10 to the माइनस में चला गया, समझ गया। तो ग्राफाइट में देखो 10 to the माइनस, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी वेरी लेस हो गया, इस साइड में जितना ऊपर जाओगे उतना लेस हो रहा है देखो। सो ये कंडक्टर ज्यादा है, कंडक्टर कंडक्टर कंडक्टर, ग्राफाइट भी कंडक्टर, इसके बाद ये दोनों सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर नीचे जाने से एकदम इंसुलेटर, अभी देखा ना इंसुलेटर, तो हार्ड रबर क्वार्ट्ज ग्लास ये सब इंसुलेटर टाइप का है, ठीक है। वेयर एज सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब क्या है, ये सब है सेमी कंडक्टर, ग्राफाइट और नॉट ये सब क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी कम है मतलब कंडक्टर है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है मतलब इंसुलेटर है, इन बिटवीन है मतलब सेमी कंडक्टर है, ठीक है। ये मटेरियल का हो गया। नाउ सिमिलरली सी वाटर सॉल्टी वाटर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर में क्या होता है देखो, रेजिस्टिविटी हाई होता है, एंड सॉल्टी वाटर में रेजिस्टिविटी लो होता है, इसीलिए सॉल्टी वाटर से करंट ज्यादा फ्लो करेगा ना। सिमिलरली क्ले मिनरल वाइज देखो, क्ले मिनरल्स में पोरोसिटी परमिटिविटी बहुत अच्छा रहता है ना, तो करंट फ्लो करता है ज्यादा अच्छा, तो ये हाईली कंडक्टिव रहता है, दैट मीन्स लो रेजिस्टिव। वेयर एज ऊपर में जाके सैंड ग्रेवल में देखो रेजिस्टिविटी हाई हो जाता है, इधर से करंट फ्लो ज्यादा अच्छा नहीं करेगा। तो ये कलर कोड को ऐसा करके रेजिस्टिविटी वर्सेस डिफरेंट रॉक का वेदर प्रोफाइल अलग अलग रॉक का प्लॉट करो, इतना डिटेल आपको डिफरेंट फॉर्मेशन का डिफरेंट रॉक का मिल जाएगा, ठीक। जितना रेड शेड में है वार्म, दैट मीन्स हाई रेजिस्टिव, जितना लो शेड में लो रेजिस्टिव। देखो मैसिव सल्फाइड्स ग्राफाइट ये सब हाईली कंडक्टर होता है ना, तो इसीलिए लो रेजिस्टिविटी है। वायरस मैक्सिमम रेजिस्टिविटी देखो वेदर रॉक्स, फिर सेडिमेंटरी रॉक है, नॉर्मल वाटर, सॉल्ट वाटर नहीं, सॉल्ट वाटर कंडक्टर होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी सर्वे करने के लिए फर्स्ट चीज क्या है, डेटा एक्विजिशन, डेटा कलेक्ट करना है ना। कैसे करोगे, रेजिस्टिविटी सर्वेज इन्वॉल्व मेजरिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द सब सर्फेस एट वेरियस लोकेशन अलोंग सर्वे लाइन्स। सर्वे लाइन्स कैसा होना है वो भी बोलूंगा। इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड सर्फेस एंड इलेक्ट्रिकल करेंट इज इंजेक्टेड इन टू द सब सर्फेस, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ द अंडरलाइंग मटेरियल्स। सो हम लोग इलेक्ट्रोड, करेंट इलेक्ट्रोड भी होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड भी होता है, दो टाइप के इलेक्ट्रोड कैसे होता है वो दिखाता हूँ। वो सब प्लेस करना है, करंट फ्लो करेगा, करंट सर्फेशियली भी एक से दूसरे में जाएगा, अगेन मिट्टी के अंदर से, सॉयल के अंदर से, फॉर्मेशन के अंदर से, पत्थर के अंदर से भी नीचे नीचे भी जाएगा। और ये करंट जाते जाते मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करेगा, अगर कोई कॉन्डक्टिव मटेरियल है उससे ज़्यादा अच्छा करंट जाएगा, जहाँ पे पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट रखा है उसमें कम करंट आएगा। सो ये डिफरेंस को मेजर करते हैं ना। तो हमको रेजिस्टिविटी क्या है, ये देखो रेजिस्टिविटी होता है रेजिस्टेंट पर यूनिट वॉल्यूम। रेजिस्टेंस तो पता है, ये देखो ये मान लो एक क्यूब है एक मटेरियल, जैसे 1 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, 1 वोल्ट इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में, तब क्या होगा, इसको 1 ओम मीटर बोला जाता है। पहले देख लो ये, फिर बोलता हूँ रेजिस्टिविटी क्या है। बहुत सिंपल तरीके से मान लो कोई भी बड़ा सा होल, इधर से पाइप से पानी जा रहा है या करंट जा रहा है, तो ये एरिया जितना ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा अच्छा करंट जाएगा ना, उतना अच्छा ज़्यादा पानी जाएगा, है ना। एंड ये लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा देर लगेगा ना पानी जाने में, तो ये चौड़ा पाइप से ज़्यादा पानी जाएगा ना, एंड लंबा पाइप से पानी जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा ना। सो इसीलिए देखो करंट फ्लो जो हो रहा है उसका ऑपोजिट, उसको बाधा देने का प्रॉपर्टी को तो रेजिस्टिविटी बोलते हैं या रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, रेजिस्टिविटी अलग है, रेजिस्टेंस पहले जान लो। तो ये रेजिस्टेंस कब ज़्यादा हो रहा है, एरिया इसका जितना चौड़ा हो जाएगा पाइप
उतना ज्यादा करंट चला जाएगा, पानी चला जाएगा, तो रेजिस्टेंट कम हो जाएगा, सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया से। लेकिन लेंथ जितना बड़ा होगा करंट जाने में, पानी जाने में टाइम लगेगा, है ना, बाधा देगा। तो लेंथ के साथ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो आर इक्विवेलेंट टू एल बाई ए, ठीक है। लेकिन ये इक्विवेलेंट में जब इक्वल करोगे एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। वो ये पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो पानी से समझाया, सिमिलरली करेंट होने से क्या, ये मटेरियल का भी कौन सा, ये जो अभी बोला था ना सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, वो मटेरियल भी तो अपना ताकत दिखाएगा ना, अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा ना। सो वो प्रॉपर्टी इट इज गवर्न बाई दिस रो। सेमी कंडक्टर का रो वैल्यू अलग होगा, कंडक्टर का, इंसुलेटर का, सभी का अलग अलग होगा, ठीक है। एंड ये एक्सटर्नल नॉर्मल फैक्टर क्या है, लेंथ बाई एरिया। सो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, एल मतलब लेंथ, ए मतलब एरिया। सो रो क्या हो जाएगा, उल्टा करो, आर ए बाई एल, है ना, आर ए बाई एल हो जाएगा। आर रेजिस्टेंस मतलब क्या है, वी इक्वल टू आई आर बोलते हैं ना हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट बोलते हैं ना, करंट को आई बोलते हैं। सो रेजिस्टेंस मतलब क्या है, कितना ज्यादा वोल्ट दोगे वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के साथ भी प्रोपोर्शनल है, करंट के साथ भी प्रोपोर्शनल है ना। सो वी इक्वल टू आई आर, वी प्रोपोर्शनल टू आई, ये भी एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। एनीवे तो इतना तो समझ गया, तो इसको ओहम मीटर बोलते हैं। ओहम, ओहम से ही फर्स्ट आया था ना रेजिस्टेंस, तो उसी के नाम से ओहम मीटर। ओहम मीटर कैसे बनता है, तो ये इतना बड़ा एग्जांपल दिखे, इसको यूनिट मान लो, स्क्वायर मान लो, अभी दिखाया था ना क्यूब, ये क्यूब का एरिया कितना है, वन स्क्वायर, वन मीटर क्यूब है। तो यूनिट क्यूब को एरिया क्या है, वन ही है ना, उससे वन वोल्ट जाएगा, वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में वन एम्पियर जाएगा। तो ये मटेरियल के ऊपर से कितना रेजिस्टेंस दिखाएगा उसी को बोलते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसका यूनिट है ओहम मीटर, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सी जी एस का क्या है, ओहम सेंटीमीटर, एम के एस या एस आई सेट यूज में, एस आई में ओहम मीटर, है ना। रेजिस्टिविटी इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय रो, इसका अपोजिट क्या है, सीमेंस पर सेंटीमीटर, है ना, सीमेंस पर मीटर एस आई में, इसको बोलते हैं कॉन्डक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी, एग्जैक्टली अपोजिट सिनेरियो। सो उसमें भी देखो ना, यूनिट इससे कितना करंट जाएगा, बस वही कंडक्टिविटी, यूनिट वॉल्यूम से कितना करंट जाएगा, ये कितना करंट रुकेगा, कितना करंट जाएगा, उतना ही है। सो इलेक्ट्रिक जब जाता है सरफेस में, मान लो ये सरफेस है, नीचे सब सरफेस को हमको मेजर करना है ना, तो सब सरफेस में कैसे जाएगा, इलेक्ट्रिक का फ्रंट ऐसे करके जाएगा ना, छोटा छोटा लूप में जाएगा ना, वेब फ्रंट में, है ना, अलग अलग इसमें ऑल डिरेक्शन में जाएगा ना। सो यही तो इलेक्ट्रिक करंट का नेचर है फ्लो करने का। सो यही नेचर को हम लोग यूज करते, देखो कितना नजदीक में दो इलेक्ट्रोड रखोगे करंट, वो दोनों छोटा छोटा लूप में एक दूसरे से डिस्टेंस है, जितना दूर बड़ा होगे दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे से, बड़ा बड़ा हेमिस्फेरिकल शेप में करंट टाइम में जाएगा ना, ठीक। तो इससे ज्यादा डेप्थ पेनिट्रेट करेगा, ज्यादा डिस्टेंस करेगा, सो इसीलिए इलेक्ट्रोड का स्पेसिंग इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोड का डिफरेंट टाइप का ज्योमेट्री होता है, ये देख के ज़्यादा घबराने का कोई बात नहीं, मैं एक्सक्लूसिवली हर जगह पे बहुत लाइट क्रिस्टल क्लियर तरीके से बोलूँगा, मैथमेटिकल पार्ट भी रहेगा, लेकिन मैथमेटिक्स आपको विजुअलाइज नहीं कर पाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका हर ऑल एस्पेक्ट क्लियर होगा। सो अपोनेंट रेजिस्टिविटी करते हैं ना हम लोग, क्यों करते हैं, एक्चुअली ये जो इधर था वो बहुत सारा लेयरिंग है, लेयर लेयर लेयर, अलग अलग रेजिस्टिविटी का अलग अलग लेयर का मटेरियल, जियोलॉजिकल लेयर है, सैंडस्टोन, शेल, ग्राफाइट या कुछ भी मान लो, तो ये जो जब ये आएगा ना करंट, वो ब्रॉडली एग्जैक्ट पॉइंट में ये नहीं करेगा, वो अपरेंट एक वैल्यू दिखाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाएगा, और अपरेंट रेजिस्टिविटी हमारा
काम में आएगा, मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन जियोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोड एरे एंड मेजर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जियोमेट्री मतलब इस इलेक्ट्रोड का कितना दूर में जाओगे कैसे करके, उसका डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। देखो इधर डाइपोल डाइपोल वर्नर स्लम्बरजर। डाइपोल डाइपोल में क्या करते हैं, ये जो दो इलेक्ट्रोड करंट इलेक्ट्रोड और दो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है ना, करंट करंट पोटेंशियल पोटेंशियल दोनों का सेम रहेगा डिस्टेंस, बट करंट इलेक्ट्रोड का जो पेयर एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का जो पेयर वो दोनों में डिस्टेंस अलग हो सकता है। इसको एक डाइपोल, इट इज अनदर डाइपोल, इसीलिए इसको डाइपोल डाइपोल बोला जाता है। ठीक है, टू बार दो बार डाइपोल, एक वन डाइपोल वन वन पोल पोल डाइपोल, ये पोल पोल डाइपोल 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 हो गया। इसमें इलेक्ट करंट के इलेक्ट्रोड का भी जो स्पेसिंग है इसमें भी सेम स्पेसिंग रहेगा, ओनली करंट एंड पोटेंशियल पेयर का डिस्टेंस चेंज होते रहेगा एल। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट अरेंजमेंट का ओवरऑल एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, वो जो रो एल बाई ए है ना वही इवेंचुअली आएगा, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ये सब कैलकुलेट करके देखना नीचे पर मीटर का या पर सेंटीमीटर का वैल्यू आएगा एंड इज ए ओम, ओम मीटर आ जाएगा। ए बाई आर ए बाई एल बोल रहे हो ना, तो इधर तो एल इधर ए मतलब मीटर आ जाएगा, स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाई मीटर, ये सब करने से आ जाएगा। इधर ये ए क्यूब है, क्यूब इधर स्क्वायर, तो क्या होगा ऊपर में एक डायमेंशन बच जाएगा ना। तो सिमिलरली वर्नर में क्या है, वर्नर में क्या है ना, देखो इधर करंट इलेक्ट्रोड अलग पेयर, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पेयर, बट इधर क्या है पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पेयर सेंटर में रहेगा, करंट इलेक्ट्रोड एक इस साइड में एक उस साइड में दूसरा साइड, सच्चे वे इट इज इट विल बी अरेंज ताकि इन बिटवीन कोई भी इलेक्ट्रोड का स्पेसिंग कॉन्स्टेंट रह जाएगा। करंट टू फर्स्ट पोटेंशियल टू फर्स्ट करंट, फिर फर्स्ट पोटेंशियल टू सेकेंड पोटेंशियल, सेकेंड पोटेंशियल टू सेकेंड करंट इलेक्ट्रोड, सभी का सेम है डिस्टेंस। ठीक है, उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड रो ए ऐसा जियोमेट्री के अनुसार ये रो ए का भर कैलकुलेशन का एक ऑलरेडी इक्वेशन है, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन आप आराम से इधर देख देख के उसी हिसाब से ये लोग कर दिए, आपको उसमें ज़्यादा घुसने का जरूरत नहीं कैसे होता है, बहुत सिंपल ही है एक्चुअली, बट इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो का थोड़ा अलग है वरना अब लेंदी हो जाएगा। अनदर ये देखो स्लम्बरजर एरे, स्लम्बरजर एरे में क्या होता है, अगेन ये वायरनर जैसा ही है लेकिन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का जो ए डिस्टेंस है ना और ये जो करंट इलेक्ट्रोड का दोनों साइड में रखते हैं, दोनों साइड में ही रहेगा लेकिन इसका डिस्टेंस अलग हो जाएगा। ये देखो इधर दो पोटेंशियल के बीच में जैसा ए है, पोटेंशियल टू करंट में भी ए होता है सेम, इधर ऐसा नहीं है। इधर देखो करंट इलेक्ट्रोड थोड़ा दूर में, इस साइड में भी दूर में चला जाता है। ठीक है, तो इट इज़ वन काइंड ऑफ वायरनर जिसमें ये ए डिस्टेंस दोनों साइड में मेंटेन नहीं होगा। सो देयरफॉर क्या होगा, इधर मान लो ए और बी क्या हो रहा है, थ्री ए हो रहा है कैपिटल ए, ये जो ए इलेक्ट्रोड है एंड बी इलेक्ट्रोड है इन बिटवीन डिस्टेंस क्या है, थ्री इंटू स्मॉल ए, इधर देखो एटलीस्ट फाइव इंटू स्मॉल ए होना पड़ता है, ये कैपिटल एल मतलब इसी को एल मान लो कैपिटल एल, ये ए इलेक्ट्रोड एंड बी इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस को कैपिटल एल मान लो, तो एल इक्वल टू थ्री इंटू स्मॉल ए इन केस ऑफ वेनर, इन केस ऑफ स्लम्बरजर एल कैपिटल एल इक्वल टू मोर देन फाइव ए हो जाएगा, फाइव इंटू स्मॉल ए फाइव टाइम्स डिस्टेंस में होता है, दो पोटेंशियल के बीच में जो डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोड का करंट इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस से फाइव टाइम्स से ज़्यादा होता है इन जनरल, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है। सो स्यूडो सेक्शन इन रेजिस्टिविटी सर्वे क्या करते हैं, इट गिव्स इट यूज एज वैल्यूएबल टूल फॉर विजुअलाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सब सरफेस वेरिएशंस इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ऐसे होता है देखो अभी इतना सारा रूल तो दिखा है, उसमें से स्लम्बरजर वेनर के कंपैरिजन में ज्यादा सुविधा है, बिकॉज वेनर में देखो बार बार हटाना पड़ेगा ये ए, अगर ज्यादा डिस्टेंस करने से ये पोटेंशियल को भी दूर करो, ये अकॉर्डिंगली इसको भी दूर में करो करंट को, तब सो दैट एवरी वेयर पोटेंशियल ए करंट सभी का डिस्टेंस सेम रहा है। लेकिन स्लम्बरजर में देखो ये ए फिक्स्ड है,
अभी ये दोनों को ए एंड बी को बड़ा कैलकुलेटर को दूर दूर धीरे धीरे दूर लेके जाओ तो इजी हो रहा है ना हैंडल करना। हालांकि डाइपोल डाइपोल में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, देखो डाइपोल डाइपोल और सुविधा है, ये दोनों पेयर भी चलते रहेगा ये भी जाते रहेगा। तो हर एक का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज अलग अलग कारण से रहता है, बट स्लम बर्जर जनरली यू विल हार्डली हैव टू मूव टू इलेक्ट्रोड्स मोस्ट इन मोस्ट रीडिंग, मैंने फॉर मोस्ट रीडिंग चारों को नहीं करना है, ओनली करंट इलेक्ट्रोड को दूर में चलते जाओ, ज्यादा डेप्थ में चला जाएगा, इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। बिकॉज इधर देखो ए मेन दो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड स्मॉल ए है ना, एंड ए बी का डिस्टेंस मान लो स्मॉल एस 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 मतलब एल मान लो, इसमें क्या हो रहा है ना ये ए बी चेंज इंडिपेंडेंटली आप चेंज कर सकते हो, लैटरल वेरिएशन बिटवीन एम एन इलेक्ट्रोड्स कैन बी डिटेक्टेड है ना, बिकॉज एम एन एंड ए बी कैन बी चेंज इंडिपेंडेंटली, समझ रहे हो, लैटरल वेरिएशन बिटवीन एम एन इलेक्ट्रोड्स कैन बी डिटेक्टेड इंडिपेंडेंटली हो रहा है तो लैटरल वेरिएशन भी आपको पता चलेगा ना, बिकॉज जब इधर से करंट भेज रहे हो ये तो जा रहा है लूप में बट ऐसा भी तो जाता है ना, तो ऐसा जाने के टाइम ये एम एन कभी कभी क्या इधर भी एम एन का भी डिस्टेंस अलग कर दो, ठीक है थोड़ा चौड़ा कर दो, ए मतलब ए को बड़ा कर दो, एक का वैल्यू दोनों का डिस्टेंस बड़ा जाने से क्या होगा लैटरल कैसे वेरिएशन है वो भी पता चलेगा ना, ये थोड़ा बहुत सुविधा है। बट दिस नियर सरफेस लैटरल वेरिएशन को जान लेना क्यों सुविधा होता है, बिकॉज ये मिस इंटरप्रेट करता है डेप्थ वेरिएशन को, तो इसीलिए स्लम बर्जर में ये इसका चेंज के साथ साथ इसका भी जो चेंज करोगे कोई लेना देना नहीं ना ये दोनों का अरेंजमेंट के, तो ये नियर सरफेस को भी मेजर कर लेगा, तो डीपर सरफेस का डीपर चेंज का से माइनस कर देने से नॉइस चला जाएगा। एंड डीपर डेटा में क्या होता है, इट हैज ए स्लाइटली ग्रेटर डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ए एंड बी का डिस्टेंस जितना दूर कर दोगे एक दूसरे से वो जितना उतना बड़ा लूप से जाएगा ना, ये नज़दीक होने से छोटा लूप, जितना दूर जाओगे बड़ा लूप से जाएगा ना, सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। नाउ ओवरऑल देखो डाइपोल डाइपोल और स्लम बर्जर में फिर डिफरेंस क्या है, तो फिर देखो इसमें लेकिन डाइपोल डाइपोल का थोड़ा एडवांटेज है, डाइपोल डाइपोल एरे आर ऑफन फेवर्ड फॉर द बेटर डेप्थ रिजोल्यूशन, देखो स्लम बर्जर एरे में डेप्थ ज्यादा जाएगा लेकिन रिजोल्यूशन डाइपोल डाइपोल में ज्यादा बेटर रहेगा, सिमिलरली लैटरल रिजोल्यूशन भी ऑलवेज डाइपोल डाइपोल में ज्यादा बेटर रहता है। और फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें तो कम से कम ये करंट एंड पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन रखना पड़ रहा है ना, ओनली करंट को ये करना पड़ रहा है चेंज करना पड़ रहा है, इधर देखो डाइपोल डाइपोल में वैसा भी कुछ नहीं है, कोई हिसाब रखने का ही नहीं, जस्ट दोनों कपल के हिसाब से सोचना है, एक दूसरे से जस्ट फिक्स कर दो एक बार डिस्टेंस, फिर दोनों को हटाते रहो बस, एज सिंपल एज दैट, तो ये इजी है। फ्लेक्सिबल फील्ड में भी इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी रहता है कंपेयर टू स्लम बर्जर, डाइपोल डाइपोल का मूवमेंट देखा होगा मेरे से, इससे अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो तीन दिखा है ना उससे छोड़ के और एक जस्ट होता है पोल डाइपोल एरे होता है, पोल डाइपोल एरे कंटेन्स फोर कोलिनियर इलेक्ट्रोड्स, देखो इसमें मेनली एक ज्यादा दूर में रहता है, जैसे दो करंट इलेक्ट्रोड में एक को काफी दूर में रखा जाता है, इफेक्टिव इन्फिनिटी बोला जाता है, ठीक है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 or 10 times द सर्वे डेप्थ, तुम मान लो तुम्हारा डेप्थ तुम 200 मीटर डेप्थ का फीचर का जानने का कोशिश करोगे, तुम्हारा सर्फेस से 200 मीटर का डेप्थ तुम्हारा टारगेट है, उसके बेवन में तुमका जरूरत नहीं है, उसी डेप्थ में क्या है वो जानना है तुमको, सो इन दैट केस तुमको कम से कम वो जो एक इलेक्ट्रोड को 10 times या 5 times 10 times मान लो 2 kilometers दूर रखना है, तो वो बड़ा स्केल में करंट पहुंचाएगा चारों तरफ, हाँ एंड अदर 3 electrodes क्या होगा ऐसे करके प्लेस करना जैसा इधर है, सो ये इधर से मान लो 3 kilometers दूर है इसीलिए इनफाइनाइट दिखा रहा है, दिट इज कॉल्ड इफेक्टिव इन्फिनिटी, ये जो ए इलेक्ट्रोड से मान लो दूसरा इलेक्ट्रोड 3 kilometers दूर है या 2 kilometers दूर है, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन 200 meters का जानना है, तो इतना दूर में रखना है, दूसरा करंट इलेक्ट्रोड को ऐसा रखना है, ठीक है। नाउ ये दोनों का डिस्टेंस क्या है ए पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स का पेयर का, तो उससे ये डिफरेंट इंटीजर में धीरे धीरे दूर के लेके जाना है,
उसके लिए ऐसा एक स्टैंडर्ड ये है। नेक्स्ट आप जब सिंपल अभी देखो ये तो हो गया, अभी हाउ इट वर्क्स एक्चुअल रेजिस्टिविटी का फंडामेंटल प्रोसेस क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए देखो अभी लेमन लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लो चार लेयर है, चार लेयर कैसे है, ये तो हवा भी एक लेयर है ना एटमोसफियर, देन ये ओवर बर्डन लूज सेडिमेंट्स कुछ रहेगा, फिर रॉक शुरू हो रहा है सपोज लो रेजिस्टिव रॉक्स, फिर हाई रेजिस्टिव रॉक्स, हाँ ऐसा कोई हाइपोथेटिकल जियोलॉजिकल कंडीशन मान लो। तो ये तो नोन टू अननोन, ये मॉडल क्यों दिखा रहा ताकि तुम विजुअलाइज कर पाओ, रियलिटी में क्या हमको तो पता ही नहीं, इधर तो हम लिख ही दिया लो रेजिस्टिविटी इधर हाई रेजिस्टिविटी, बट नोन टू अननोन होना ना, लो रेजिस्टिविटी में कैसा आना है देखने से नेक्स्ट टाइम अननोन जगह पे जाने से आपको पता चल जाएगा लो होने से ऐसा होता है हाई होने से ऐसा होता है। कोई भी चीज़ अब आपको पहले प्रिलिमिनरी आइडिया होना है ना, आप एक रास्ता में भी कोई चीज़ देख रहे हो ना, कुछ चीज़ पड़ा हो गिरा हुआ है उसको पहले देखा बोल के तो पहचान पाते हो। पेन लाइफ में जब फर्स्ट टाइम पेन देखा वो क्या है पता था आपको नहीं, एक्सपीरियंस डे टू डे एक्सपीरियंस होता है उसी के बाद आपको आप समझ पाते, इसीलिए नोन टू अननोन हर चीज़ में डिसअप्लीकेट ना। एनी वे तो देखो इधर देखो एक स्टैंडर्ड वेनरी मान लो इस्लाम वर्जन मान लो अरेंजमेंट, शुरू में देखो सेम है एम एन का, ये जो एम एन एन है पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, ए एन बी है करंट इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो देखो ये अभी राइट नाउ क्या है मान लो वेनर अरेंजमेंट है ना, सो इसमें देखो ऐसा एक वैल्यू आ रहा है अपरेंट रेजिस्टिविटी वैल्यू कुछ भी ऐसा करके करंट जा रहा है इधर में मेजर हो रहा है, ठीक है। तो इधर एक्चुअली डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है ना, ये ज़्यादा दूर तक जा नहीं पा रहा है ना। सेकेंड में देखो ऐसा जाते जाते ऐसा सेम डिस्टेंस में पेयर को हम तक मूव कर रहे हैं, ये इस जगह पे एक वैल्यू लिया, ये सेंटर का वैल्यू लेना पड़ता है। देखो ये जो है इसका ऊपर खेचो देखो ऐसा एम एन एन का सेंटर, यही जगह पे एक्चुअल रेजिस्टिविटी मेजर होता है अपरेंट रेजिस्टिविटी। सो ये इस पोजिशन में नीचे जाओ, सो अपरेंट रेजिस्टिविटी इन दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस जा रहा है ना, ये है वैल्यू, एक वैल्यू सम कुछ कुछ समथिंग आया। दूसरा जगह पे जाओ ऐसा ऐसा कुछ आया, तीसरा जगह पे जाओ ऐसा कुछ आया, चौथा जगह पे पांचवा ऐसा, जाते 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 देखो इधर सडनली जाने से क्या हो रहा है, एक सडन जगह पे बहुत अपरेंट रेजिस्टिविटी कम हो रहा है, ठीक है, अपरेंट रेजिस्टिविटी का वैल्यू कम हो रहा है ना। उसके बाद देखो और कम हो रहा है, एक पीक में जा रहा है बहुत कम हो गया है ना, जितना राइट में जा रहा है बिकॉज ये देखो ये नीचे है, नीचा है ना, इधर लो रेजिस्टिविटी के अंदर से ही ये गुजर रहा है करंट, तो लो रेजिस्टिविटी किसे करंट गुजर रहा है तो लो रेजिस्टिविटी अपरेंट दिखा रहा है ना, तो ये गड्ढा जैसा है एक्चुअली, ये लो रेजिस्टिव एक कुछ बॉडी है, बहुत इधर थीन रेजिस्ट लो रेजिस्टिविटी है, इधर थीक लो रेजिस्टिविटी है बिलो द ओवर बर्डन, फर्दर जाने से क्या है अगेन कम हो रहा है बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी, सो दैट मीन्स इसका थिकनेस धीरे धीरे अगेन कम हो गया। तो यही चीज़ को आप प्रोफाइल कर दो, दाग से खींच दो तो प्रोफाइल बन गए, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी प्रोफाइल। नाउ ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी प्रोफाइल से तुमको इतना तो समझ में आएगा कौन सा जगह पे लो रेजिस्टिव जोन है। फॉर एग्जांपल तुमको ग्राफाइट बॉडी चाहिए, तो ग्राफाइट मीन्स लो रेजिस्टिव हाई कॉन्डक्टिव, सो कहाँ ड्रिल करोगे, ऑफकोर्स इधर ड्रिल करोगे जहाँ पे लेड पॉइंट दिखा रहा हो ना, ये तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लो रेजिस्टिविटी है, दैट मीन्स हाईएस्ट कंडक्टिविटी है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी मीन्स इधर ये ग्राफाइट जोन का चांस है ना, थी ग्राफाइट होने का लाइकलीहुड है, सो इधर ड्रिलिंग करोगे, बट कितना मीटर तक करोगे वो कैसे समझोगे। नाउ इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अनदर पॉइंट दैट इज कॉल्ड वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग, ठीक है, हाउ मच डेप्थ ऑफ द बोर होल्स to know that vertical electrical sounding चाहिए, ठीक है, यहाँ तक आई होप अब समझ गया। सो ये लो रेजिस्टिव जोन ऐसा करके देखने से तब आपको प्रोफाइल से आपको समझ में आएगा ऐसा जगह पे ड्रिलिंग करना है, कितना डेप्थ तक करोगे वो समझने के लिए आपको vertical electrical sounding चाहिए। अभी सेम चीज़ को ऐसा करके सोचो, ये सेम हवा
एयर एयर ये सरफेस, इससे सब सरफेस शुरू हुआ नीचे समथिंग वर्ड बटन के बाद दो अलग मटेरियल है, सपोज रो वन रेजिस्टिविटी रो टू रेजिस्टिविटी, दो अलग अलग रेजिस्टिविटी का जोन है, ठीक है ना। ये कितना डेप्थ जाएगा किसके ऊपर निर्भर करता है, ये बोला था ना इलेक्ट्रोड का स्पेसिंग के ऊपर। सो ये दो करंट इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस जितना दूर करोगे एक दूसरे से उतना बड़ा बड़ा लूप में आएगा। देखो ना ये पहले देखो, मान लो इधर ए एंड बी का अभी का जो डिस्टेंस है ये इस साइड में ए एंड बी का ए बाई ए बी बाई टू, मतलब ये मतलब मान लो 20 मीटर, तो इधर 10 मीटर ए बी बाई टू बी मीटर, 10 मीटर 10 मीटर करके आएगा सपोज, ठीक है। सो ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में रेजिस्टिविटी कैसा चेंज होता है, अपर रेजिस्टिविटी वो देखेंगे, ठीक है ना। इधर एक वैल्यू आया, नेक्स्ट इसका इमीडिएटली बीच में इधर था, इधर एक वैल्यू आया, और डिस्टेंस किया और एक वैल्यू आया, है ऐसा करके हम लोग ए एंड बी का डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, एम एंड एन को फिक्स रखे हो। सो क्या हो रहा है देखो, इवेंचुअली ये धीरे धीरे बड़ा बड़ा लूप में जा रहा है, फर्दर क्या होगा और बड़ा करो, ये देखो और बड़ा जा रहा है। सो इधर देखो, जब ये लूप करेंट फ्लो एक सर्टेन डिस्टेंस बढ़ाने से जब दूसरा रेजिस्टिव जोन में घुसेगा तब इसका अपरेंट रेजिस्टिविटी वैल्यू चेंज होगा, है ना। ये देखो और डेप्थ में जा रहा है तो और, है ना। तो ऐसा करते करते एक सर्टेन बहुत दूर तक करते करते क्या देखोगे कि ये ऐसा करके चेंज हो रहा है वैल्यू। सो ये चेंज ही तो हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट है ना। सो इट इज टोटली गवर्न बाई ए एंड बी का जो डिस्टेंस, करेंट इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ये तो हो गया ये क्या, तो फिर ये शुरू में देखो वेनर था, इसी के कॉम्बिनेशन के बोला जाता है वेनर स्लम्बर। शुरू में ए सब सेम था ना, ये एम एन का डिस्टेंस एन टू बी एम टू ए सभी का डिस्टेंस सेम था, बाद में थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया, बाद में और बढ़ा दिया गया। तो शुरू में वेनर शुरू होता है, फिर बढ़ा देने से ऑटोमेटिक इट विल बिकम कन्वर्टेड इन टू स्लम्बर, ठीक है। सो यह वेनर स्लम्बर कॉम्बिनेशन इसीलिए बोला जाता है ना। डाइपोल डाइपोल में क्या होता है देखो, उधर तो दो करंट इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पेयर रहता है, इधर देखो करंट पेयर अलग से रहेगा, पोटेंशियल पेयर इलेक्ट्रोड पेयर अलग से रहेगा, बट इसमें भी मोर और लेस सेम। देखो इसके दोनों का इन बिटवीन डिस्टेंस सेम है, करंट का दो इलेक्ट्रोड का सेम डिस्टेंस, पोटेंशियल का भी वैसा ही डिस्टेंस, लेकिन इन बिटवीन करंट पेयर एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पेयर का डिस्टेंस चेंज होते रहेगा। यहाँ तक समझ गया ना। एंड उसी में क्या होता है, ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का फर्स्ट इलेक्ट्रोड और करंट इलेक्ट्रोड का ये वाला C1 ये B1 या फिर ये A और M जो भी मान लो, इसका बीच का जो मिडिल पॉइंट वही मिडिल पॉइंट का रेजिस्टिविटी डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। इधर तक ये अपोनेंट रेजिस्टिविटी डेटा पॉइंट इधर आता है, ठीक है समझ गया। ये पोटेंशियल पेयर और करंट पेयर का एग्जैक्ट मिडिल डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या है, C1 C2 ये तो एक दो पेयर, इधर दो पेयर, तो ये देखो पहले मान लो ए डिस्टेंस में ही था, सेम डिस्टेंस में था, ठीक है। C1 एंड P1 ये दोनों का डिस्टेंस मान लो सेम था, तो फिर ये जो डिस्टेंस इतना ही डिस्टेंस में अगेन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड स्टार्ट हो गया, तब क्या होगा इन दोनों का बीच में एक वैल्यू आएगा, फिर अपरेंटली ए का ए वैल्यू का ही इंटीजर मल्टीप्लीकेशन में बढ़ाते रहो डिस्टेंस, डीपर इंफॉर्मेशन बढ़ते रहेगा ना ऐसा करके, ठीक है। नाउ करंट इलेक्ट्रोड को अगेन एक स्टेप इधर लेके आ जाओ, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना ग्राउंड सरफेस में, ये क्या है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर पढ़ लो, C1 C2 है करंट इलेक्ट्रोड, P1 P2 है पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, व्हाइल A इज द स्पेसिंग बिटवीन इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन ईच मेजरमेंट, बोथ पोटेंशियल एंड करंट दोनों का इन बिटवीन डिस्टेंस A होता है, ठीक है। पोटेंशियल पेयर का भी डिस्टेंस A, इलेक्ट्रोड करंट इलेक्ट्रोड का पेयर का भी A डिस्टेंस, ठीक है। तो इस A डिस्टेंस के साथ n मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर 1a इधर आएगा, 2a 3a 4a 5a 6a ऐसा करके मल्टीप्लिकेशन में हम लोग बढ़ाते रह रहे हैं डिस्टेंस, है ना। तो उतना डीपर वैल्यू आ रहा है।
एंड ये वाला डिजिट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, वो क्या है? वो है करंट एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टेशन पोजीशंस इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, ठीक है। सो जब एन इक्वल टू वन है, हाँ, तो इधर करंट इलेक्ट्रोड है, इधर पोटेंशियल, दूसरा करंट इलेक्ट्रोड है, तो शुरू फर्स्ट वैल्यू में इधर था पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का फर्स्ट इलेक्ट्रोड, हाँ, एंड ये दूसरा इलेक्ट्रोड। नाउ पोटेंशियल इलेक्ट्रोड ऐसा करके शिफ्ट होते रहेगा, ठीक है। मैं इसको और अच्छी तरह समझाता हूँ, तब आपको ये वीडियो के साथ माध्यम से ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनीवे, तो अभी के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 इलेक्ट्रोड डीसी डाइपोल डाइपोल एरे यूज फॉर रेजिस्टिविटी प्रोफाइल एंगल ऐसा दिखता है सामान, ठीक है। और ये क्या है, डाइपोल डाइपोल एरेज है ना, ओवरऑल एक स्टैंडर्ड दिखा दिया। ये पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ लेयर्ड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, दे कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड कैरेक्टराइजिंग डिफरेंट लेयर्स बेस्ड ऑन देयर रेजिस्टिविटी कॉन्ट्रास्ट। सो इसीलिए ग्राफाइट जैसा चीज में ये बहुत जरूरी हो सकता है। ठीक है। नाउ इसमें देखो और एक चीज है, हम लोग ये जो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, दो करंट इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस, इसके हिसाब से तो जेड भी बढ़ता है, डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन बढ़ता है, बट ये इनफाइनाइट बढ़ेगा क्या? नहीं, उसका एक पर्टिकुलर रूल है ना। अब जेड बाई एल वैल्यू को प्लॉट करो वर्सेस रेस्पॉन्स, तब देखोगे क्या देखोगे, एक सर्टेन डेप्थ पे ना ऐसा एक पीक मिलेगा, ऐसा पीक मिल के फिर कम हो जाएगा, ठीक है। सो एक जो मैक्सिमम पोर्शन में मोड जो हो रहा है ना, ये तो देखो एग्जैक्ट थोड़ा स्क्यूड है ना डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो मोड है एंड मीडियन है सेम नहीं होता है। तो अभी अगर मोड को देखोगे सो डेप्थ ऑफ मैक्सिमम रेस्पॉन्स इधर है, लेकिन फिर भी इस मोड को यूज नहीं होता है, क्योंकि डेप्थ ऑफ मैक्सिमम रेस्पॉन्स में देखा जाता है 90% मैक्सिमम रेस्पॉन्स नीचे से आ रहा है, तो ये ओवर ओवर एस्टिमेशन दे देगा, नीचे का पिक्चर ज़्यादा दे रहा है। लेकिन जब मीडियन पोर्शन में जाओगे ना, इट इज इंटीग्रेटिंग 50% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बॉटम साइड, 50% फ्रॉम टॉप साइड, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग इस डेप्थ को मेजर करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये स्लम्बर जेनरे के लिए ये इफेक्टिव डेप्थ का एक 1.9 वैल्यू रहता है, वेनर के लिए 1.173, ऐसा करके सभी का एक एक वैल्यू रहता है, ठीक है। 0.19 होगा, सॉरी ये गलत है, 0.19 होगा, ठीक है, ऐसा देखो। तो इफेक्टिव डेप्थ ऐसा करके डिफरेंट जाएगा, लेकिन कहाँ तक आप, कौन सा डेप्थ तक आप अच्छी तरह मेजर कर पाओगे, वो है इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। सभी डेप्थ में जाएगा करंट, लेकिन वो जरूरी नहीं सभी डेप्थ आप मेजर कर पाओगे, ठीक है। सो इफेक्टिव डेप्थ इज द इंटरवल विद इन द सब सरफेस ऑफ होमोजीनियस अर्थ दैट कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ द मेजरमेंट, ऐसा देखो स्लम्बर्जर एरे में 0.19 है ना, इसमें देखो 0.173, इसका अरेंजमेंट के लिए हो रहा है, जे डी बाई ए है, इधर जे डी बाई एल है, तो एल मतलब 3A मान लेने से 3 मल्टीप्लाई करो तो लगभग सेम आ रहा है ना दोनों का। सो फॉर 300 मीटर का डेप्थ में ए बी, अगर एल डिस्टेंस 300 मीटर है तो डेप्थ कितना होगा, स्लम्बर्जर के लिए होगा 57 मीटर, वेनर के लिए 52 मीटर। देखो स्लम्बर्जर थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में ज़्यादा बेटर दे रहा है, बहुत हालांकि डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी नाउ ये चीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो रेजिस्टिविटी जब तुम लोग मेजर करते हो, हम लोग मेजर करते हैं ना, वो अपोनेंट रेजिस्टिविटी मेजर करते हैं, दैट मीन्स वो हम लोग होमोजीनियस मान के चलते हैं, एक एवरेज आउट कर देते हैं, ऐसा सोचते हैं मॉडल में है ना, थियोरिटिकली मॉडल में ऐसा सोचते हैं, 120 मान लो ओम मीटर है तो ऐसा इलेक्ट्रिक जाएगा, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का लेयर्स रहता है ना, कुछ लेयर में अलग रहेगा ओम मीटर, कुछ में अलग रेजिस्टिविटी रहेगा। जब कम रेजिस्टिविटी रहेगा दैट मीन्स हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी मीन्स बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, सो ये डेंस करंट के लिए क्या है, इसका इफेक्टिव डेप्थ कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये करंट जाने का ही मन नहीं कर रहा है इसको, सो यही मेन डेप्थ, इसमें इफेक्टिव डेप्थ इफेक्टिविटी कम है। ऑन द अदर उल्टा देखो, अगर ऊपर में लो रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टिविटी है दैट मीन्स लो कंडक्टिविटी, नीचे हाई कंडक्टिविटी है, जैसे करंट जितना जल्दी संभव नीचे जाने का कोशिश करेगा,
है ना, नीचे जितना ज्यादा जाने का कोशिश करेगा टुवर्ड्स हाई कॉन्डक्टिव दैट इज लो रेजिस्टिव बॉडी, तो डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑटोमेटिक इफेक्टिव डेप्थ बढ़ जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखो। नाउ एक सिंपल चीज इतना जान लो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन में जनरली इस्लाम बाजार रही मान लो, तो इलेक्ट्रोड का जो जितना स्पेसिंग होता है ना वो 1/3 होना है डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जितना डेप्थ में सपोज तुम्हें 100 मीटर का डेप्थ जानना चाहिए, तब तुम 300 मीटर दूर में रखोगे करंट इलेक्ट्रोड को एंड अकॉर्डिंगली आप पोटेंशियल इलेक्ट्रोड को बीच में रखोगे, ठीक है, तब आपको इसमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अभी दिखाया ना क्यों किस लिए डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन मोड मीडियन वाला पार्ट उधर बनता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ अभी देखो लेयर वाइज अपन रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर एक 10 मीटर का लेयर है मान लो, ऊपर में क्या है हाई रेजिस्टिविटी है, नीचे 10 टाइम्स कम रेजिस्टिविटी यूनिट है। सो जब इधर करोगे इधर तो शार्प है अलग है, सो ऐसा इसको डिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा एनीवे, बट जब ओवरऑल कार्ड में देखोगे रेजिस्टिविटी वर्सेस डेप्थ AB/2 मतलब ये AB, इसका जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे मतलब उतना डेप्थ जा रहा है ना। सो ये मान लो डेप्थ, ये वाला डेप्थ, ये वर्सेस रेजिस्टिविटी, ठीक है, डेप्थ इन मीटर AB/2 इन मीटर। डेप्थ को इनडायरेक्टली हम लोग इसके डिस्टेंस के साथ कैलकुलेट करके ये डेप्थ को बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए मान लो ये डेप्थ एंड ये रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और डेप्थ का जब करोगे, देखो जब 200 मीटर का लेयर जा रहा है इसका क्या है 200 ओम मीटर का लेयर 10 मीटर है ना, सो इधर 200 मीटर 200 ओम मीटर जा रहा है, देखो उसके बाद शार्पली 25 होना चाहिए ना, लेकिन ये 25 शार्पली नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, ऐसा आकर के नीचे जाता है 10 ओम मीटर में ना, समझ गया। ये है डिफरेंस 25 ओम मीटर वाला के बाद, मान लो ऐसा करके बढ़ाते रहो 10 ओम मीटर के बाद 25 ओम मीटर नीचे वाला को बढ़ाते रहो, समझ नहीं रहे हो, ये देखो ये तो 10 के बाद 25, इधर 25 लिखा है मतलब बाद का बात है, 10 के बाद 25 फिर 50 फिर 100 ऐसा करके आ रहा है। सो 10 में ऐसा आएगा, 25 में ऐसा आएगा, 50 में ऐसा आएगा और 100 में ये ऐसा आएगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी कॉन्ट्रास्ट तो कमते जा रहा है, ये 200 है ना ऑलरेडी बहुत हाई, ये बहुत कम था बोल के स्टीपर करके आ रहा था 10 था नीचे। अभी अगर दूसरा केस में जब नीचे का लेयर का वो 50 हो गया तो ये ऐसा उतरे चले आएगा, इवेंचुअली जब इस नीचे का लेयर भी अगर 200 हो जाएगा तो सेम स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी अभी देखो नीचे का अगर रेजिस्टिविटी कम है ज्यादा है सॉरी ऊपर में कम है, तब क्या होगा धीरे धीरे रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, ऐसा करके बढ़ेगा, लेकिन देखो शार्प फ्लक्चुएशन कभी नहीं होगा, ये धीरे धीरे ही बढ़ता है, ये रेजिस्टिविटी कर्व्स में ऐसा करके ही दिखाता है, इसीलिए इसको अपर एंड बोल रहा है ना। सो ये पोर्शन में ऐसा करके बढ़ता है, ये ग्राफिकली ऐसा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा ही देखो अभी 50 ओम मीटर में बोल रहे हो नीचे का लेयर को अभी बढ़ाते रहो और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ते रहेगा, तो क्या होगा इवेंचुअली अगर एक सर्टन लिमिट के बाद देखो नीचे का क्या था पहले 50 था, उसके बाद 500, 50 के बाद 100, 500 फिर 5000 कर दो, तो लाल नील से 100, ग्रीन से 500 फिर 5000 वायलेट से, तो देखो आफ्टर सर्टन लिमिट क्या होगा उसके बाद, ये 45 डिग्री एंगल में जब चला जाता है ना दैट इज मैक्सिमम, उससे ज्यादा होने से ये दिखाएगा नहीं, उससे ज्यादा यही हाईएस्ट पॉसिबल डिटेक्टेबल है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम 45 डिग्री हो जाने से ये कर्व ऐसा होगा। अगर इन केस कुछ वैल्यू आपको ऐसा आ रहा है वो एरर है, ऐसा वैल्यू होगा नहीं, इससे ज़्यादा होने से भी यही दिखाएगा, यही वैल्यू के मैक्सिमम लिमिट के अंदर आएगा 45 डिग्री एंगल पे जो वैल्यू। नाउ अभी तीन तीन लेयर का देखो, ऐसे ही मान लो सबसे नीचे 5500 है, उसके बाद 250 है, उसके पास 50 है, तो फिर ग्रेडेशनली नीचे जा रहा है धीरे से ना, तब भी देखो ऐसा आएगा नीचे से। तो फिर दो लेयर और तीन लेयर में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता है ना, अगर ग्रेडेशनली कम होता है ना तो अपरेंट रेजिस्टिविटी अपरेंट, इसीलिए तो बोल रहा है ना लेयरिंग को अपरेंट एवरेज आउट करता है,
तो इसीलिए सडन जंप वैसे भी नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना। और ये भी 10 मीटर है ना, लेकिन अगर ये थिकनेस बढ़ेगा मिडिल वाला लेयर, तब पता करना इजी रहता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है ना। इधर देखो, ये 10 मीटर का लेयर है बोल के समझ में नहीं आ रहा है 10 मीटर लेयर को, क्योंकि ये ग्रेडेशनली कम रहा है, तो नॉर्मली भी कम होने से भी ऐसा ही जाता। बट अगर ये धीरे धीरे देखो, 50 से लास्ट वाला 100 था तो और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब सडनली बहुत ज्यादा हो जाएगा नीचे वाला लेयर, नीचे वाला कम था ना, इधर 500 से कम था, उसके बाद 500 से अगर इक्वल हो के इवन ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा? तब मिडिल लेयर का इन्फ्लुएंस पता चलेगा। क्योंकि इधर देखो, इधर लोअर लेयर के लिए आ रहा है एक वैल्यू 500 ओम मीटर, ठीक है, उसके बाद मिडिल लेयर में 250 मान लो जा रहा है, जा रहा जा रहा, उसके बाद सर्टेन डेप्थ में क्या होगा, 1000 ओम मीटर, मतलब ऊपर उठ जाएगा। इधर एक डाउन बेसिनल शेप बन रहा है ना, डिप्रेशन। सो ये डिप्रेशन मिडिल लेयर को बहुत अच्छी तरह समझा देता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्मली घटेगा तब मुश्किल होता है, समझाना मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन घटने के बाद अगर इक्वल भी हो जाता तब भी पता चलेगा। जैसे इधर देखो, 500 ओम मीटर ऊपर और मिडिल में 250 होने से भी लास्ट में अगेन अगर 500 होगा तब भी पता चल रहा है कि ये आके नीचे जाके फिर इक्वल होगा, तो ये थोड़ा डिप्रेशन आएगा। लेकिन यूनिफॉर्मली नीचे जाने से और सडन नीचे नेक्स्ट में अलग लेयर रहने से भी कम वैल्यू रहने से वो सेम ही आएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना। तो नीचे वाला का इम्पोर्टेंस यही है। नाउ ऐसा ही एक कार्ड मान लो, नीचे वाला वैल्यू बहुत हाई है, इससे ऊपर जा रहा है ना, मिडिल में थोड़ा कम है, तो ऐसा डिप्रेस्ड पार्ट बन रहा है। ऐसा कहाँ देखा जाता है सबसे ज्यादा? ये बहुत टिपिकल कुछ कुछ जगह देखा जाता है, क्योंकि जैसा कि सॉइल का प्रोफाइल मान लो, जहाँ पे बहुत हाई रेजिस्टिविटी है टॉप में, बीच में कम रेजिस्टिविटी है, बॉटम में अगेन हाई रेजिस्टिविटी है, एक ऐसा कोई भी वेदरिंग प्रोफाइल में सबसे ऊपर क्या रहता है, हार्ड कैलक्रीट फेरिक्रीट ये सब रहेगा ना, कैलक्रीट रहता है, हार्ड वेदर प्रोफाइल लैटराइट ये सब में क्या है ना, बहुत अच्छी तरह करंट जाता नहीं, ठीक है। सो ये मॉडरेट रेजिस्टिविटी देता है, सारा हाई देता है, बीच में जो लेयर रहता है ना उसमें पोरोसिटी थोड़ा ज्यादा रहता है, वेदरिंग ज्यादा रहता है, तो उधर में करंट ज्यादा अच्छा फ्लो करता है, तो उधर रेजिस्टिविटी कम होता है। एंड उसके बाद अगेन नीचे क्या होता है, बेसमेंट हार्ड रॉक, तो उसमें भी रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा अभी देखो, इसका 5 मीटर लेयरिंग है मिडिल वाला, मिडिल वाला जितना बढ़ते रहेगा, अभी देखो 100 मीटर हो गया, सो 100 मीटर को ऐसे करके डिवाइड करो, 20 मीटर जब होगा ऐसा दिखेगा, 50 मीटर जब होएगा ऐसा दिखेगा, 100 मीटर होने से ये जो वायलेट का कंटिन्यूअस दिख रहा है ना, ये 100 मीटर में दिख रहा है। सो इससे कैसे सब क्या समझ रहे हो? सो मिडिल लेयर का थिकनेस जितना बढ़ेगा तब लेकिन मिडिल लेयर ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझने में मदद करेगा, सेक्शन जो ओवरऑल आपका रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत क्लियरली विजिबल होता है। सो ये मिडिल लेयर देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये देखो, ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल देखो ना, कोई भी सॉयल में, इसके लिए सॉयल साइंस में तो हम लोग वीडियो बना के रखा हूँ, अभी देखने से आपको पता चलेगा रेगोलिथ में बारे में जो डिटेल्स था ना, तो इसमें देखो रेजिस्टिव सॉलिड कैलक्रेट लैटराइट पेडोलिथ बोलते, पेडोलिथ सैप्रोलिथ प्रोटोलिथ, ये तीनों टर्म मैं पहले डिस्कस किया था। सो वेदर सैप्रोलाइट सैप्रो को सैप्रोलिथ बोलते, तो यही तो हम लोग कोई भी सैम्पलिंग करते हैं ना, जियोकेमिकल सैम्पलिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट सी हॉराइजन जिसको बोला जाता है ना, यही है। इधर से क्या होता है, करंट ज़्यादा पास करता है, तो इधर इसीलिए क्या है, पानी वाटर स्टोरेज कोई भी चीज़, हाइड्रो पानी हाइड्रोकार्बन कोई भी चीज़, ये सब जगह पे ज़्यादा स्टोरेज होने का पोटेंशियल रहता है, तो इसीलिए ये सब जगह इंपॉर्टेंट होता है, इसका हाई रेजिस्ट। इधर इवन वो जो पानी के टाइम पे जो एक्वीफर बनता है ना, वो सब भी ऐसा जगह पे ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा कैसा टेरेन, बट ओवरऑल ये सब ये जाएगा, ये मिडिल वाला लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ऊपर से जोन ऑफ, इधर तो सीमेंटेशन फ्रंट हो जाता है, उसके नीचे तो ये सब जोन से
पानी निचली जब होके इधर आता है ना, और भी नीचे होने से। सो यही है पूरा परमिएबल जोन है ना। तो ये है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, ठीक है। सो जनरली देखो ये मिडिल लेयर कैन नॉट इजिली रीच अपना खुद का वैल्यू, जो 50 ओम मीटर वैल्यू है ना इसका, 50 ओम मीटर है ना, ये कितना भी करो वैल्यू में पहुंच नहीं पाता है, बिकॉज उसके बाद इमीडिएट उठना पड़ता है ना, क्योंकि उसके बाद बहुत हाई वैल्यू है। तो रेजिस्टिविटी का जो प्रोफाइल आएगा, वेपन रेजिस्टिविटी वैल्यू इन बिटवीन एवरेज करके ऊपर खींच लेगा, ठीक है। सो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ अपरेंट रेजिस्टिविटी, हमारा पर्पस के लिए ये बहुत जरूरी होता है ना। ये अगेन समझर का एक सिंपल डिफरेंट पोजीशन में दिखा रहा है, कैसे देखो C1 C2, ये जो करंट इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो रहा है, फर्दर डीपर इन्वेस्टिगेशन मिल रहा है, ये तो हम लोग डिस्कस किया ही है ना। सो अपरेंट रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे, इसमें मेनली मेन चीज है अपरेंट है, जो इलेक्ट्रिकल करंट इज सेंड टू द ग्राउंड एंड देन मैप द रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट फ्लो ऑफ करंट, मेजर डेटा इज कॉल्ड अपरेंट रेजिस्टिविटी, व्हिच इज द रेजिस्टिविटी वैल्यू दैट वुड प्रोवाइड द सेम ऑब्जर्व वोल्टेज इन होमोजीनियस मैटर। ये इसमें जो इतना सारा का मल्टीप्लीकेशन एवरेज आउट करके एक वैल्यू जो आएगा, वैल्यू दिखाएगा कि मान लो जो वैल्यू है वो इतना सारा का कॉम्बिनेशन है ना, लेकिन ये वैल्यू तो एक सिंगल दिखा रहा है, तो उसी को बोला जाता है अपरेंट रेजिस्टिविटी, ठीक है। सो स्यूडो सेक्शन कंस्ट्रक्शन क्या है, अपरेंट रेजिस्टिविटी तो पॉइंट डेटा है, एक एक इधर जैसे कि एक 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 सेटिंग में एक एक डेटा, वन डेटा वन डेटा वन डेटा ऐसा करके, या फिर डाइपोल डाइपोल में भी मैं दिखाता हूँ, इधर देख लो, इधर P1 P2 पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, ये करंट इलेक्ट्रोड मान लो C1 C2, ठीक है। तो P1 P2 को फिक्स कर दो ना, C1 C2 को पहले इधर रखो, इधर का डिस्टेंस मान लो जो है ना सेम डिस्टेंस में इधर रखो, फर्स्ट n इक्वल टू 1 जब है, तो इसका जो इधर C1 अगर इधर प्लेस्ड है, ये दोनों का जो P1 P2 का डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस में C1 रखो, अगेन सेम डिस्टेंस में C2, तो इधर C1 हो गया फर्स्ट में जिधर कर्सर रखा हो। सो ये P1 और C1 का बीच में सेंटर में वैल्यू आएगा एक, ना n इक्वल टू जब 2 आएगा, सेम डिस्टेंस में एक एक करके शिफ्ट कराओ, उसका सेंटर क्या होगा इधर, अगेन एन इक्वल टू 3 में इधर सेंटर, एन इक्वल टू 4 राइट नाउ जहाँ पर है, इसका सेंटर कहाँ है, इधर है, देखो इन बिटवीन मिडिल पार्ट है ना ये। सो ये सिमिलरली एन इक्वल टू 5 हो जाने से इधर इधर आ जाएगा, सो मिडिल पार्ट भी हो रहा है लेकिन डेप्थ में भी जा रहा है, क्योंकि जितना दूर जाओगे बड़ा लूप बन रहा है ना, ठीक है। सो ऐसा करके अगेन सेकेंड स्टेज में क्या कर रहे हो, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड को थोड़ा सामने लेके आएंगे ए डिस्टेंस, अगेन सो अगेन नाउ रिसप्लिंग करके अगेन ए डिस्टेंस से करो, सो ऐसा एक कॉम्बिनेशन अगेन बनेगा, समझ गया। प्रीवियसली P1 P2 इधर था, नाउ P को ए डिस्टेंस रखा, पोटेंशियल को भी एक डिस्टेंस बढ़ा के रखा, समझ रहे हो, अगेन बार बार दिखा रहा हूँ, ए देखो पीछे था, एक डिस्टेंस आगे आ गया, इधर C1 शुरू हुआ था फर्स्ट वाला में, अब इधर C1 इस बार में शुरू होगा ना। सो अगेन इन बिटवीन में एक वैल्यू, एन इक्वल टू 2 में दूसरा वैल्यू, एन इक्वल टू 3 में तीसरा वैल्यू, ऐसा करके मिलते जाएगा। इवेंचुअली क्या हो रहा है, आपको ऐसा करके बार बार P1 को भी एक P1 को एक जगह में C1 का एक सेट, देन P का दूसरा जगह पे C का सेट, P मतलब पोटेंशियल, C मतलब करंट, इसलिए बोलो P पेयर का तीसरा जगह पे C पेयर का तीसरा सेट, ऐसा करके सेट का अलग अलग सेट में बन रहा है ना। तो इतना सारा पॉइंट डेटा है रियलिटी में ना, एंड मिड पॉइंट मतलब क्या है, P1 एंड C1, ये जो P1 एंड C1 इसका मिड पॉइंट ही तो एक्चुअली वैल्यू दिखा रहा है ना, कोई भी वैल्यू। सो इतना सारा वैल्यू तो दिस पॉइंट वैल्यू ना, तो सब सरफेस में तो हम लोग जनरली क्या देखते हैं, पूरा कलरफुल मैप देखते हैं ना, पॉइंट वैल्यू को तो फिर क्या करते हैं, हाँ डिफरेंस इन पॉइंट वैल्यू हो रहा है ना, इधर तो सब जगह पे सेम पॉइंट वैल्यू नहीं है, अलग अलग है। सो ये डिफरेंस के बेसिस में हम लोग कॉन्टूर खींचते हैं, और वो कॉन्टूर को फर्दर कलरिंग करके कलरफुल मैप आता है, और वो मैप को स्यूडो सेक्शन बोला जाता है, ये सब स्यूडो सेक्शन है, इसको कलरफुल कॉन्टूर कर दो मैप कर दो, वो स्यूडो सेक्शन है ना। फर्दर स्यूडो सेक्शन को इंटरप्रेट करके एक एक रॉक को अलोंग बिठा देने से मॉडलिंग हो गया, जैसे ब्लू कलर का एक पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी मीन्स क्ले सिल्टी जोन, लाल मतलब वेदर जोन, तो ये जियोलॉजी के साथ कोरिलेट किया ना, तो ये मॉडलिंग बन गया ना।
तो स्यूडो सेक्शन को यूज करके जब जियोलॉजी को इंटरप्रेट कर रहे हो और जियोलॉजिकल यूनिट को भी दिखा दे रहे हो, उसको बोलता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टोमोग्राफी, ईआरटी मॉडल। सो इन प्रैक्टिस आफ्टर परफॉर्मिंग ईआरटी सर्वे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सर्वे दैट इज ईआरटी सर्वे, कलेक्टेड अपरेंट रेजिस्टिविटी डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्यूडो सेक्शन फर्स्ट टू विजुअलाइज द वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी अलोंग प्रोफाइल्स और सेक्शंस। उसके बाद स्यूडो सेक्शंस का हेल्प करके वो कलरफुल कलर डाल के, मतलब पहले कॉन्टूर डाला, कलर डाला, देन इनिशियल इंटरप्रिटेशन करता है, एंड दैट कैन गाइड यू फिजिसिस्ट इन आइडेंटिफाइंग सब सरफेस स्ट्रक्चर्स और सब सरफेस फीचर्स। जो भी ये अभी तक सब स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं किया, ये तो नॉर्मल लिथो यूनिट का क्या वेरिएशन है वो समझा। उसके बाद स्ट्रक्चर के लिए मैं दूसरा वीडियो में स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस लेके आऊंगा, एक एक स्ट्रक्चर का भी अलग अलग रोल रहता है, ठीक है। सो इट इट फर्दर ये क्या करता है, रेजिस्टिविटी का मॉडल बनाता है। सो ओवरऑल इसके बाद क्या होता है, इन जनरल एडवांस्ड इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल इन्वर्शन टेक्निक्स। मैथमेटिकल इन्वर्शन टेक्निक से क्या कन्वर्शन होता है, अपेरेंट रेजिस्टिविटी इज बी कन्वर्टेड इनटू मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंट ट्रू सबसरफेस रेजिस्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है, ठीक है। हाउएवर सीवीटू सेक्शंस हम अभी बोल रहा था ना कि लिमिटेड डेटा है, एक पॉइंट डेटा है, उसको हम लोग कलरफुली कॉन्टूर करके फिर कलर फिल कर रहा है ना, सॉफ्टवेयर से करता है ऑफकोर्स, बट अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। सो थर्ड डायमेंशन का पता होना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट 2D स्लाइसेस ऑफ द सर्फेस एंड मे नॉट कैप्चर द फुल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ना, ऑब्वियसली। बट ऐसा बहुत सारा सीयूटू सेक्शन स्टडी करके तो उसको कॉम्बाइन करके आप कर ही लोगे थर्ड डायमेंशन का भी यूज, है ना। सो इतना आई होप आप थोड़ा समझ गए होंगे स्यूडो सेक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या है। हाई रेजिस्टिविटी वैल्यूज आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय वार्म कलर्स जैसे रेड, वे सब बहुत बेसिक है ना। लो रेजिस्टिविटी कूल कलर्स, कम वाला वैल्यू, एंड पैटर्न्स इन स्यूडो सेक्शंस हेल्प जियोफिजिसिस्ट टू इंटरप्रेट सबसरफेस स्ट्रक्चर्स टू आइडेंटिफाई एनोमली इवेंचुअली। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी सर्वे एंड स्यूडो सेक्शन। आई होप दिस बेसिक्स आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। सो थैंक।